सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूँ आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज 2020 लगता है कि बदलावों का दौर है, बदलावों का समय है, क्योंकि एक के बाद एक हमने ऐसे ऐसे बदलाव देखे जो कि आज तक किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ऐसे बदलाव आएंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड की, ठीक है। तो गाइज कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है इस वक्त, और इस कोविड-19 की वजह से इतने सारे इस बार चेंजेस को हमने फील किया, देखा, जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, राइट। एग्ज़ाम्स बीच में डिस्टर्ब्ड हो गए, कई एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, रिजल्ट निकलने में देरी, कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स, केसेस एंड सो मेनी थिंग्स। और अभी फ़िलहाल अब जो स्टूडेंट्स के बीच में एक नया जो एक इशू बन गया है, वो दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तौर पर के उठी हुई हैं। गाइज आर यू द एस्पिरेंट ऑफ NTSC? अगर हाँ तो आपके लिए गोल्डन चांस है, बिकॉज अनअकैडमी आपके लिए लाया है 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्रैश कोर्स। 26 अक्टूबर से ये शुरू होने जा रहा है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आप किसी भी स्टेज में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन लेवल के किसी भी स्टेज में। साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो पूरा कोर्स है ये आपको प्रोवाइड होगा हिंदी और इंग्लिश में, और जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश में। सो डोंट मिस द चांस, सेट रिमाइंडर्स, डोंट फॉरगेट इट कि 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो फॉर दिस। पहला है कि बोर्ड एग्जाम 2021 में कब होगा, क्या समय से होगा, या कुछ आगे पीछे हो सकता है, या अप्रैल में होगा या मई में होगा, कंफ्यूजन का माहौल है। सेकंड थिंग कि 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म अभी बच्चों का भरवाया जा रहा है, उनका जो मैथ्स है पहले बेसिक और स्टैंडर्ड में जो दो अलग अलग कर दिए गए थे, तो इस बार उनका ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इन बच्चों को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये प्रॉब्लम में रहेंगे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल्स के साथ में। वीडियो के अंत तक रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर कमेंट तो आप अभी कर दो। ओके फाइन गाइज, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब मसला क्या है, मामला क्या है। एक्चुअली में अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो ये ज़्यादा इशू तब उठा जब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि एग्ज़ाम्स जो हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं, उन्होंने CBSE को लिखा, मिस्टर मनीष सिसोदिया ने, कि जो ये एग्ज़ाम हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम जो अब होने चाहिए मई में होने चाहिए या तो पीछे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये मुद्दा उठा, और एक जो बोलते हैं ना अटकलें, एक अटकलें तो लगी ही हुई थी, कन्फ्यूजन्स तो लोगों के बीच में चल ही रहा था, स्टूडेंट्स के बीच में, बिकॉज जो पूरा सिलेबस है वो काफ़ी लेट हो चुका, पिछले 6-7 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो देर आर सो मेनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये अटकलों का बाजार तब और ज़्यादा गर्म हो गया जबकि CBSE ने अपना सैम्पल पेपर 30% रिड्यूस्ड जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया, मार्किंग स्कीम रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ से मुद्दा शुरू हो गया कि अब जब ऑफिशियल सैम्पल पेपर आ चुका है, तो क्या CBSE इतनी जहमत फिर से उठाएगा, क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम को अगर हम एक्सटेंड करने की बात करें, मतलब मई में अगर सोचें, तो क्या वैसा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक और बात भी उठ रहा है कि सिलेबस को क्या 50% कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बीच में तो लगातार चारों तरफ में ये हल्ला था, सभी लोग सोच रहे थे यार कि सिलेबस जो है वो 50% हो गया, ऑलमोस्ट डन हो चुका था, और ये अभी इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हुए हैं। ज़्यादा प्रेशराइज गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स पेरेंट्स को भी किसी तरह का प्रेशर, मेंटली प्रेशर या फिजिकली प्रेशर कोई ना पड़े, ये गवर्नमेंट चाहती है। तो गाइज यहाँ पर जो अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल तक में तो पक्का जाएगा, मई में जाने के भी चांसेस पूरे तौर पर हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा तो मुझे आना पड़ा इस वीडियो के साथ में। दूसरा क्वेश्चन था कि 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन में जो मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड हुआ करता था, ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता था स्टूडेंट्स को, तो वो इस बार नहीं है, जबकि 2018-19 में स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिला था। लेकिन जो बच्चे 9th वाले जो बच्चे जो 2022 में जाकर के एग्ज़ाम लिखेंगे, उनको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या ये ख़त्म कर दिया गया। तो गाइज अभी एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ कि इस पर भी अटकलों का बाजार गर्म है, ठीक है। हालाँकि CBSE पूरी तरह से इसको नहीं कहा है, अभी सिर्फ ये किया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरा रहा है 9th क्लास का, ठीक है, उनको एक ही मैथ्स जो मेन मैथ्स है 0441 कोड
जो है उसके तहत ही फॉर्म भरवाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता, बिल्कुल ये नहीं होता कि क्लास टेंथ में जाकर के उनको ये ऑप्शंस बेसिक और स्टैंडर्ड वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये आप एकदम क्लियर हो जाओ, आप सभी जो मुझे देख रहे हो सुन रहे हो उनको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेंथ में भी आपको जाकर के जब आप फॉर्म भरते हो तो उस वक्त आपको ये फिर ऑप्शन पूछा जाता है कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स रखेंगे या बेसिक मैथ्स, तो वहां भी आपको चुनना ही पड़ता है। तो इट मींस अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मेन मैथ्स भरा रहा है फॉर्म, तो किस वजह से भी ऐसा किया गया ये तो मैं प्रॉपर वे में नहीं कह सकता, लेकिन अभी आपको जो मिला अभी आप वो भर लो, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स क्लास टेंथ में जा करके स्टैंडर्ड या बेसिक जो आपको चुनना होगा वो आप चुन लेना और उस समय फॉर्म भर देना। क्योंकि अगर ख़त्म करना होता, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे ही निकालना पड़ता है, सीबीएसई को अगर ख़त्म करना होता तो सीबीएसई एक ही बार में ये अनाउंसमेंट कर देती कि भाई जो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का जो ऑप्शन था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा नहीं कहा है। एम आई राइट? तो इसका मतलब बच्चों परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जस्ट फोकस करो आगे, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत कम है, बचे हुए 4-5 महीना ही बचे हुए हैं जो जिसमें कि ये सेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत तेज़ी से कैरी ऑन करना है और इसमें हम आपको मदद करेंगे। हम बहुत ही हमने तैयारी की है, काफ़ी दिनों से हम लगे हुए थे इस पर। तो अब आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चलाएंगे, ठीक है, जो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो। आज से श्री गणेश हो चुका, तो आज से आपको इसमें ज्वाइन करना है। हर दिन इसके रिजल्ट भी अनाउंस होंगे, ठीक है। आप अपना जो आप टेस्ट देंगे उसको आप अपने उसी वक्त आप मार्किंग भी आप देख पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। तो पहला तो ये है, दूसरा ये कि हम एक पूरा स्पेशल प्रिपरेशन सीरीज़ हम निकाल रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये चारों क्लासेस को हमने टारगेट में लिया है। आपके लिए हम स्पेशल नोट्स ला रहे हैं, ऐसे ऐसे नोट्स जिसमें कि आपको समझने में आसानी रहेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम समझाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे, नोट्स हम आपको देंगे, आप उससे बहुत बेनिफिटेड होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी हम जो आपको नोट्स देंगे ये PDF फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन जो PDF जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब नोट्स बनाने का झंझट भी खत्म। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड अबाउट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, जो कि अभी ज़रूरत है बंदों को, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, अभी बंदों को लगना है, अभी आप लोगों को बहुत आगे जाना है, ठीक है। हर वो ड्रीम को पूरा करना है जो कि आपने सोचा था अपने लिए, ठीक है, और हम आपको इसमें मदद करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये करो यार कि अपना एक ग्रुप फॉर्म करो, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर वे बताऊंगा, द प्रॉपर वे टू स्टडी, ठीक है, कैसे आपका स्टडी कर सकते हो। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे भी बताऊंगा, बिकॉज मैंने भी जब किया था, ठीक है, तो मैंने किस तरह से अपने क्लास 10 12th को किया था, देन MBA मैंने कैसे किया, ठीक है, उसका जो मेरा MBA के दौरान, जब मैं MBA कर रहा था तो MBA के दौरान मेरा जो स्टडी आवर्स थे मैंने उसको किस तरह से बांटा था, ठीक है। आप किस तरह से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ में उसे कॉपअप कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है कि आप अपने स्टडीज़ को किस तरह से कॉपअप करते हो, तो पूरा चीज़ हम आपको देंगे। सबसे पहले अपना ग्रुप बनाओ, ठीक है, और उससे पहले भी अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियोस अपलोड करें आपके पास मैसेज पहुंचे। हर शाम अब हम लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, ये सबसे तगड़ी खबर है, जो हमने आज से करीब 4-5 महीना पहले किया था, हर शाम हम लाइव हो रहे थे। जस्ट ये आप लोग का रिजल्ट वगैरह आया था तो हमने कुछ समय के लिए उसे ड्रॉप किया था। और आप सभी को मैं बता दूं कि YouTube में शायद हम पहले ऐसे थे जो हर दिन, पहले हैं भी अभी भी, हर दिन हम 7-8 घंटा लाइव हो रहे थे। कैन यू बिलीव, 7-8 घंटा पर डे हम लोग लाइव हो रहे थे और बच्चों का झुंड होता था, ठीक है, वो हमारे साथ में जुड़े होते थे। और ना सिर्फ स्टडीज़ बल्कि हम उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एवरीथिंग, ठीक है, उनका आइडियाज़ क्या है, वो क्या सोचते हैं, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते थे। तो मीन्स आपको खिलने का मौका मिलता है, राइट। सो बी विद अस, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, पूरा अपना बड़ा ग्रुप बनाओ, अपने आप स्कूल के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी अटैच करो, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारे जो आपके क्वेरीज थे मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं जाना नहीं है, मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना, दिस इज योर विशाल सा साइनिंग ऑफ, प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी नवरात्रि।